is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रिव्यू विद विकास। हुंडई ने सोचा कि अब इंडियन मार्केट में कुछ ऐसा करते हैं कि अपने राइवल्स को थोड़ा सोचने को मजबूर होना पड़े, तो अब हुंडई लेके आ रहा है एन लाइन सीरीज ऑफ कार्स। एन लाइन सीरीज मतलब मोर पावर, एग्रेसिव लुक, बेटर पिकअप, स्पोर्टियर साउंड। सुनोगे साउंड कैसी है? बम्स आए ना? अगर आए तो कमेंट में जरूर बताना। और क्या नया होगा? ब्रॉड टायर्स, एक तरह से समझ लो कि ट्रैक की कार रोड पर आ गई है, या ये कहे कि ये आपकी एवरीडे स्पोर्ट्स कार होगी। अब हुंडई इसमें सबसे पहले अपनी i20 को एनलाइन सीरीज में लेकर आएगी। चलिए आपको ये भी दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली कैसी होगी ये। देखने में ओरिजिनल डिजाइन में ज्यादा फर्क नहीं है, पर कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स को जरूर एड ऑन किया गया है। आज मैं इसके सिर्फ एक्सटीरियर के बारे में बात करूंगा, और जब इसका नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करूंगा उसमें आपको इसके इंजन पावर और इंटीरियर के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। वैसे आपको ओवरऑल क्या क्या चेंज होगा बता देता हूँ। ओरिजिनल i20 में स्पोर्टी किट फिट कर दी गई है, जैसे कि स्पोर्टी बम्पर, ट्विन एग्जॉस्ट, डुअल कलर, रियर रूफ स्पॉयलर, एरो शेप एलईडी लाइट्स, और स्पोर्टी लुक के लिए पीछे की जो टेल लैंप है उसको थोड़ा सा डार्क लुक दे दिया गया है। वैसे भी आजकल डार्क ज्यादा बिकता है। ज्यादा ब्रॉड टायर्स दिए गए हैं इसमें। साइज का अभी नहीं पता, पर हो सकता है कि 17 इंच का अलॉय व्हील्स आए इसमें। देखने में तो जबरदस्त लग रही है, गजब की स्पोर्टी भी लग रही। बता दूं इसमें इंजन पावर को भी इंक्रीज कर दिया गया है, ताकि सिर्फ स्पोर्टी लुक नहीं स्पोर्ट्स कार की तरह चले भी। तो कैसी लग रही है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में इसके इंजन परफॉर्मेंस और इंटीरियर की बात करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगले और उसके भी कई अगले वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।